हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं नीलम और आप देख रहे हैं विदिका व्लॉग। तो जैसे कि आप देख रहे हैं कि आज जन्माष्टमी है और मेरे बच्चे कर रहे हैं कान्हा जी का स्नान। मैंने बोला कि आज तुम लोग करो, क्योंकि ये सब जो धार्मिक चीज़ें होती हैं ना, ये थोड़ा बच्चों को भी सिखानी चाहिए कि कैसे क्या होता है। तो ये लोग बहुत अच्छे से करते हैं, पहले भी करते हैं और अभी आज भी कर रहे हैं। तो ये स्नान करवा लेते हैं कान्हा जी का। तो ये देखिए, अभी इन्होंने उसमें केसर से स्नान करवाया है। और ये जो आप देख रहे हैं, पहले से जो दूध है वो अभी हमने जो है जो विष्णु भगवान, लक्ष्मी माता रानी, इन सब का भी स्नान करवाया। और अब है कान्हा जी की बारी। वो सब तो मैंने किया है, बाकी कान्हा जी का ये लोग कर रहे हैं। और ये पंचामृत से ये कान्हा जी का स्नान करवा रहे हैं। और आप डाल रहे हैं पंचामृत, जिसमें होती हैं पांच चीज़ें, दूध, दही, घी, शहद और शक्कर, गंगाजल। तो ये सब चीज़ें होती हैं। तो बच्चे स्नान करवा रहे हैं, बहुत अच्छा लगता है जब हमारे बच्चे ऐसी चीज़ें करते हैं ना, तो मन को बहुत अच्छा लगता है कि चलो इनका इंटरेस्ट है इन सब चीज़ों में। और मेरे बच्चों का तो शुरू से ही रहा है पूजा पाठ में। जो मेरी मदर इन लॉ थी, वो भी बहुत पूजा पाठ में उनको विश्वास था। और अब हम लोग भी करते हैं। और जब से कान्हा जी लिए हैं हमने, मतलब जब से हमारे घर के सदस्य बने हैं कान्हा जी, तब से तो फिर हमारा ऐसा होता है कि कान्हा जी हमारे घर के ही सदस्य हैं। लड्डू गोपाल जी जो हैं वो हमारे घर के ही मेंबर हैं। हम चार लोग नहीं, हम पांच लोग हैं, तो हम इनको भी अपना सदस्य मानते हैं। तो देखिए, बच्चे करवा रहे हैं कान्हा जी का स्नान। जो मेरा बेटा है वो उन पे जल से स्नान करवा रहा है, और जो बेटी है वो अच्छे से उनको नहला रही है, और उनका जो बॉडी है वो अच्छे से साफ कर रही है। तो ये सब चीज़ ये कर रहे हैं बच्चे स्नान कान्हा जी का। ये देखिए, अब हमारे ठाकुर जी हो गए हैं बिल्कुल तैयार। ये देखिए कितने क्यूट, कितने सुंदर लग रहे हैं। नज़र ना लगे ठाकुर जी को, बहुत प्यारे लग रहे हैं हमारे ठाकुर जी। ये देखिए पर्पल ड्रेस में तो बहुत सुंदर। अब ये सुबह की जोत जल गई है घर में और मंदिर में, और ये फूलों से हमने सजाया है अपना मंदिर। कान्हा जी पे भी डाले हैं, सारे भगवानों की मूर्तियों पे हमने फूल चढ़ाए हैं। सबसे पहले आप सबको जन्माष्टमी की बहुत 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 शुभकामनाएं। तो सुबह तो पूजा हमारी हुई और ये हो रही है पूजा की। कान्हा जी का झूला जो है वो पीहू रेडी कर रही है, उसको डेकोरेट कर रही है, उसको तैयार कर रही है, और मैं बना रही हूँ कान्हा जी के लिए लड्डू भोग के लिए। तो चलिए दिखाती हूँ मैं आपको। ये देखिए मैं बना रही हूँ लड्डू। लड्डू जो है वो थोड़ा बेसन जो मैंने भून लिया है और अभी वो ठंडा हो रहा है, उसके बाद फिर मैं इसमें मिलाऊंगी बूरा और कुछ मिलाऊंगी ड्राई फ्रूट्स और इलायची वगैरह, और मेरे लड्डू बनके हो जाएंगे तैयार। उसके बाद चलिए चलते हैं अंदर, पीहू क्या कर रही है देखते हैं। और देखिए पीहू जो है वो तैयारी कर रही है। और वो कहाँ रखा आपने, डिब्बा अंदर रख दिया? अच्छा अच्छा ठीक है। और ये है हमारा कान्हा जी का झूला, इस पे हम कान्हा जी को बैठाएंगे और झुलाएंगे। ये बहुत अच्छे से डेकोरेट हो रखा है। ये देखिए यहाँ पे कुछ कुछ स्टोन टाइप के लगे हुए हैं, यहाँ पे कुछ जरी वाला कपड़ा लगा हुआ है, और ये झूला है। देखिए मैंने इसमें सब कुछ लड्डू का सब कुछ इसमें मिक्स कर दिया, इलायची, ड्राई फ्रूट सब कुछ मिक्स कर दिया, और इसमें मैंने बूरा भी मिक्स कर दिया। और अब मैं इसके बनाऊंगी छोटे छोटे लड्डू। जो मैं कान्हा जी को चढ़ाती हूँ वो मैं ज़्यादा बड़े नहीं बनाती, मैं बहुत छोटे छोटे बनाती हूँ उसके लड्डू। मैं तो अभी से मुँह में पानी आ रहा है। गाइस ये देखिए कान्हा जी के लिए छोटा सा लड्डू, प्यारा सा लड्डू बन चुका है। फर्स्ट लड्डू, ये हमारे लड्डू बनके हो गए हैं तैयार। ये देखिए
मैं आई हूँ किचन में और अब मैं स्टार्ट करूँगी अपना खाना बनाना। लाइक थोड़ा कम है बट कोई बात नहीं, थोड़ा एडजस्ट कर लीजिए आप लोग। तो अब हम शुरू करते हैं खाना बनाना। हम गैस चलाते हैं, इसमें आज तो प्याज लहसुन कुछ डलेगा नहीं, तो हम सिर्फ बनाएंगे, हम लगाएंगे जीरे का छौंका और उसमें हम डालेंगे टमाटर, फिर डालेंगे सारे मसाले और फिर डालेंगे पनीर। इसमें मैंने डाल दिए हैं टमाटर और मैंने डाल दिए खड़े मसाले। और सो गाइस, आप सोच रहे होंगे मम्मियों में हंस भी रहे हैं, क्योंकि अभी मम्मियों में मम्मी ऐसी बोल रही थी, कैमरा ऑफ था और मम्मी बोल रही थी, सो मैंने इस पर डाल दिया ये। और मैं मैंने बोला अरे मम्मी आपने तो इसको प्ले नहीं किया, तो मैंने कैमरा प्ले ही नहीं किया था, मैं प्ले में लगी थी, तो अब मैंने प्ले कर दिया है। तो इसमें हमने सब डाल दिया और मैं इसको ग्राइंड कर लूँगी और इसके बाद जो इसका पेस्ट बनेगा तो उसमें हम डालेंगे कढ़ाई में, उसमें मसाले डाल के तो हम उसकी ग्रेवी बनाएंगे। कट चुकी है, पानी डालेंगे हम। बस अभी जब पनीर मेरी भूनती है तब तक मैं जो आलू है उनको, मैं ये जो जीरा आलू उनको मैं छौंक देती हूँ। ये आलू मैंने छिलके काट लिए हैं और मेरा तेल हो गया गरम, अभी ये जीरा। अब उसमें हम डाल देंगे सारे मसाले। तो इनका आलू को अब पकने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, ये मतलब एक दो मिनट इनको और ऐसे मैं फ्राई करूँगी मसाले के साथ और ये बनके हो जाएंगे रेडी। तो मेरी दो चीज़ें अब बनके तैयार हैं, एक पनीर और आलू। अब मुझे बनाना है, क्या बनाना है मुझे, सूजी का हलवा। सूजी को भून लेते हैं अच्छे से। इसमें ऐड कर दूंगी चीनी, हलवे में घी कर देंगे ऐड, ये पानी, थोड़ा सा गरम पानी डालेंगे। मैंने इलायची डाल दी है, अब मैं डालूंगी बादाम। अब टाइम हो गया है संध्या आरती का, अब शाम हो चली है और हम करने जा रहे हैं शाम की आरती। मैंने आपसे ये शेयर किया था संभरानी कप्स जो है ये बहुत ही औसम है और इसकी खुशबू तो एकदम मतलब बहुत ऐसा आपको फील होगा जैसे आपने घर में हवन कर रखा है। हवन सामग्री लोबान गूगल और काफ़ी सारे जो इन अपना ओरा जो अच्छा करते हैं पॉजिटिव करते हैं वो सब चीज़ें इसमें हैं। और देखिए इसमें अभी ये जल रहा है धीरे धीरे ना, और उसके बाद जब ये बुझ जाएगा तो इसका फिर एक स्मोक टाइप का निकलेगा जो बहुत ही इसकी खुशबू बहुत ही अच्छी आती है। ये आपको रिकमेंड करूँगी कि आप ये प्रोडक्ट ज़रूर यूज़ करें। और ये कोई स्पॉन्सर वीडियो नहीं है कि मैं वो कर रही हूँ, ऐसा कुछ नहीं है। मैं बस मुझे ये प्रोडक्ट अच्छा लगा तो मैं इसका रिव्यू आपके साथ शेयर कर रही हूँ कि आप भी ये ऐसा ज़रूर लें, ज़रूर यूज़ करें, अपने घर में पॉजिटिविटी जो है वो क्रिएट करें इसको जला के अपने घर में। तो ये बहुत ही अच्छा प्रोडक्ट है, मैं इसको पॉइंट दूंगी 10 out of 10 क्योंकि मुझे तो ये बहुत अच्छा लगा है। अभी ये जल रहा है, अभी इसमें से जब ये बुझ जाएगा ना तो इसमें एक स्मोक टाइप का निकलेगा जो पूरे घर में मतलब ऐसी खुशबू लेके आता है जैसे हमने घर में हवन किया हुआ है। ये देखिए अब ये जैसे बुझ गया है ना, तो अब इसमें से पूरा ये 5-1 मिनट तक इसमें ऐसे ही स्मोक निकलती रहेगी जो हवन की जैसे खुशबू होती है ना, वैसे ही पूरे घर पे ऐसी खुशबू हो जाएगी। और ये जो है ये पूरा जो कप्सा बना हुआ है ना, ये पूरा अगरबत्ती है, अगरबत्ती यही पूरा जल जाएगा और ये अंदर का भी पूरा जल जाएगा और ये मतलब बहुत अच्छी खुशबू देगा। तो आप इसको ज़रूर परचेज करें, इसको ऑनलाइन ऑफलाइन पतंजलि जो शॉप होती है वहाँ पे आपको ईजिली आपको ये मिल जाएगा। तो अच्छा प्रोडक्ट है, ज़रूर परचेज करें। सो फ्रेंड, अब मैं इस ब्लॉग को करती हूँ यहीं पे ही ख़त्म, और ज़्यादा बढ़ाऊँगी तो ये कुछ ज़्यादा ही लंबा हो जाएगा। अभी तो यहीं पे मैं इसको ख़त्म करती हूँ। तो जो मेरे साथ जुड़े हैं वो ऐसे ही जुड़े रहें,
और मेरी वीडियो को देखते रहें और लाइक भी ज़रूर करें, शेयर करें, और जो मेरी वीडियो जो मेरे चैनल पे नए हैं वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और उनसे जुड़ें, और अच्छा लगेगा कि हमारी फैमिली जो है, मेरी फैमिली, एक मेरी घर की फैमिली, एक मेरी यूट्यूब फैमिली है, ये ऐसी बढ़ती ही रहेगी, तो हम उनसे जुड़ते रहेंगे लोग, तो अच्छा लगेगा। तो चलिए करते हैं यहीं पे ख़त्म, तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।